अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे कैबिज के पकोड़े। कैबिज के पकोड़े के लिए देखिए, ऐसा बारीक कैबिज को काट लीजिए। इसके बाद हरी धनिया, करेपाक, पुदीना लिया है कटा हुआ, इसमें थोड़ा अजवाइन और ज़ीरा क्रश कर लिया है ताकि डाइजेशन को क्रिएट करता है ये। देखिए हरी मिर्च स्वाद अनुसार आप लीजिए, और यह है ना बेसन, एक कप बेसन लिया है। देखिए छोटा सा काट के प्याज लिया है। देखिए थोड़ा मैदा लीजिए ताकि ये क्रिस्पी बने। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए पहले, इसके बाद बेसन डालिए। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्ट डाल लिया, नेक्स्ट प्याज, कटी हुई मिर्च, कोतमीर, करेपाक डाल लिया है, क्रश किया हुआ ज़ीरा और अजवाइन। इसके बाद थोड़ा सा मैदा डाल लीजिए, बस है बेसन। अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा बेकिंग सोडा डाल लीजिए इसमें। देखिए फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक और बेकिंग सोडा क्वार्टर स्पून लीजिए। अब इसको अच्छा सा एक डो बना लीजिए। पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा कर करने से इसमें पानी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बज्जी जैसा कला लिया है, थोड़ा भी पानी नहीं ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम कीजिए। देखिए छोटे छोटे साइज पे डाल लीजिए। ऐसा करके सब आपके बज्जियाँ डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कैबेज की भजी रेडी हो गई है, आप भी टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्टर आया है इसका। देखिए मैं कुछ भी फूड कलर नहीं ऐड किया है। देखिए कितना क्रिस्पी बन गए हैं, ऑयल तो